गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे। गुड मॉर्निंग। होमवर्क किया सबने आधारशिला में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंप्लीट किया ना? Yes, ma'am. आधारशिला नहीं है तो मैंने पेजेस भी आपको सेंड किए हैं, आप उन पेजेस की भी फोटो कॉपी ले सकते हो, है ना? आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, मैंने पेजेस भी सेंड किए हैं ग्रुप पर। जिस बच्चे के पास नहीं है, जो नहीं दे पाया है। गुड मॉर्निंग। डन, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। एक मिनट मैं म्यूट करती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं म्यूट करती हूँ सबको। अब जिस बच्चे को पूछना है वो केवल अनम्यूट करेगा। हाँ, आप ग्रुप पर हो, हिंदी ग्रुप पर? व्हाट्स योर नेम? यशस्वी। यशस्वी, आप हिंदी ग्रुप पर हो? मैं तो हूँ। अगर आपका नंबर हिंदी ग्रुप पर ऐड है तो मैंने वहां पर पेजेस भेजे हुए हैं आधारशिला। दोबारा से चेक करना, ठीक है? स्क्रॉल करना ऊपर, आपको मिल जाएंगे। शायद वो कर ठीक है। अच्छा, रा में छोटों की मात्रा की प्रैक्टिस की सबने? यस मैम। आज हम करेंगे रा में बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है? और आपको जो मैं होमवर्क दे रही हूँ वो इजीली हो पा रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? नो मैम। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क मैंने दिया है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। ओके, नाउ टेक आउट योर हिंदी नोटबुक, हिंदी क्लास बुक कॉपी में वर्क करेंगे आज हम। हाँ, कुछ पूछना है बेटा? ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, अब आपको र में छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा समझ में आ गई? यस मैम। सब बच्चों को? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यस मैम। नो मैम। अगर आप किसी को कंफ्यूजन हो तो मैं आपको दोबारा बता दूंगी। मैम, पेज नंबर कौन सा? हिंदी क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है? बुक में नहीं, कॉपी में हम लोग वर्क करेंगे। क्लास वर्क कॉपी, नो रफ कॉपी। हिंदी नोटबुक में, क्लास वर्क कॉपी में, फेयर कॉपी में, जो भी आप बोलते हो, ठीक है? और एक बार पहले फिर से समझ लेते हैं मात्रा हमें कैसे लगानी है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? र में छोटे उ की मात्रा हमने लगाई थी। है ना? ऐसे र में छोटे उ की मात्रा कैसे लगाते हैं? जैसे यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, पहले र लिखना है और उसमें पीछे की तरफ उसको मात्रा को लगाना है। पेज नंबर? पेज नंबर कुछ भी पेज नंबर नहीं है, स्क्रीन से मैं समझा रही हूँ।
उसके बाद आज हम करेंगे र में बड़ी ऊ की मात्रा। तो आप लोग र में बड़ी ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे, इस तरह से बीच में ये गोल सर्कल जरूर नजर आना चाहिए, उसे ही बड़ी ऊ की मात्रा बोला जाता है ना। अगर गोल सर्कल नहीं होगा तो वो छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगी। तो बीच में गोल सर्कल बनाते हुए आपको नीचे मात्रा को लगाना है, ठीक है। और र से बिल्कुल मिलाकर मात्रा को लगाएंगे, र से दूर मात्रा नहीं लगाएंगे। मैम लिखना है? हाँ, हिंदी क्लास वर्क कॉपी में लिखना है। र में ऊ की मात्रा हमने लगाई तो क्या बनेगा, रू। कैसे बोलेंगे इसको हम, रू। अब आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले डेट डालनी है, मैंने भी देखो डाली हुई है। हाँ, नोटबुक में बेटा, हिंदी नोटबुक में, फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में नहीं करना ये वाला वर्क, फेयर कॉपी में। जल्दी से डेट डालनी है, उसके बाद आप हेडिंग डालोगे र प्लस बड़े ऊ की मात्रा इक्वल्स टू रू। रू डेट डालो और ऊपर डालो हेडिंग। इसके बाद पहला शब्द है रूठना, 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 रूठना मतलब नाराज होना। रूठना बोल बोल कर लिखोगे और सही से लिखोगे। कुछ बच्चे इस रेड लाइन से लिखते हैं, जब मैंने कॉपी चेक की तो मुझे पता चला कुछ बच्चे इस रेड लाइन से लिखते हैं। रेड लाइन को टच नहीं करना है, बीच की तीन लाइनों में लिखना है। दूसरा शब्द अमरूद, अमरूद, अमरूद मतलब अमरूद एक फ्रूट होता है ना, खाया होगा सबने ग्वावा। अमरूद। और सब बच्चों को र में बड़े ऊ की मात्रा र से बिल्कुल मिला के लगाओगे। आपको स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना वो थोड़ी सी हटी हुई नजर आ रही है मात्रा, लेकिन आप लोगों को ऐसे नहीं लगानी है, र से बिल्कुल मिलाकर मात्रा लगाओगे, नहीं तो वो आधा न न की तरह लगेगा वो। मैम फेयर कॉपी निकालनी है या रफ कॉपी? फेयर कॉपी। मैम फेयर कॉपी निकालनी है या रफ कॉपी? फेयर कॉपी सुहानी, फेयर कॉपी। तीसरा शब्द है रूठकर, रूठ कर, बोल बोल कर लिखोगे सर, रूठ कर। मैम यस, रूठ कर। चौथा शब्द है रूमाल, 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 रूमाल।
किताब निकाल, याद करो तो किताब बेटा माइक ऑफ करो, चेक करो किसका माइक ऑन है। ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। अगला शब्द मैम, पहले मुझे बताओ किसका माइक ऑन है, किसने बोला ये अगला शब्द मैम। माइक ऑफ करो बेटा, मैं खुद लगा दूंगी। डन तो बोलना ही नहीं है बीच में, कोई भी बच्चा डन नहीं बोलेगा, मैं खुद लगा दूंगी नेक्स्ट वर्ड। पांचवा शब्द है रूपा, मात्रा र से बिल्कुल सटाकर लगाना, बिल्कुल मिलाकर लगाना, रूपा रूप। शायद मैंने गलत लिख दिया, मैं क्या कर क्या लिख दिया गलत। हाँ रे, ये इसको फोर्थ नंबर पे होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको फोर्थ नंबर पे होना चाहिए। अगर आपका गलत हो गया तो म्यूट करो अपना माइक। मेरी लाइट चली गई थी तो ये क्लास हुआ क्या कि होमवर्क है? क्लास वर्क बेटा, अपनी फेयर कॉपी निकालो, हिंदी क्लास वर्क कॉपी निकालो और स्टार्ट करो लिखना, ठीक है? ओके मैम। व्हाट्स योर नेम? सत्यम। ओके सत्यम, जल्दी से कॉपी निकालो, क्लास वर्क कॉपी, डेट डालो, हेडिंग डालो और लिखो। उसके बाद छठा शब्द है शुरू, शुरू। अगला शब्द मैम, सातवां शब्द है बारूद, बारूद 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 क्या होता है? बारूद क्या होता है? बारूद वो होता है जिससे पटाखे बनते हैं, बम बनते हैं, विस्फोटक भी जिसको बोलते हैं। बारूद। आठवां शब्द है रूस, रूस। रूस क्या है? एक कंट्री का नाम है, रशिया जिसको बोलते हैं। रशिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, रूस। अगला शब्द वेट, सबको करने दो पहले। नौवां शब्द है रूप, रूप मतलब अगली, अगली वर्ड बोलते हो ना आप इंग्लिश में, अगली, बदसूरत है ना, जो देखने में सुंदर ना हो उसको हम बोलते हैं रूप। वाला शब्द वेट, मैंने बोला ना मैं अपने आप से लगा दूंगी। और लास्ट वर्ड है
रूलर। रूलर क्या है? रूलर एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है राजा, राजा या फिर शासक, उसको हम रूलर रूलर बोलते हैं इंग्लिश में। रूलर। Yes. बेटा बीच में आपको डन नहीं बोलना है, जिसका वर्क हो जाएगा उसको 5 times रीडिंग करनी है, डन नहीं बोलना है, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए हमें वेट करना है। Yes. बोलो बेटा। मैंने 5 times रीडिंग कर ली। हाँ, फिर से 5 times कर लो, लेकिन म्यूट रखना है, ठीक है ना, ताकि सब बच्चे आराम से अपना वर्क कर सकें। ओके बेटा, वेरी गुड, गुड। वेरी गुड मैम, मैंने 5 times रीडिंग कर ली। वेरी वेरी गुड मैम, मैंने 5 times रीडिंग कर ली। मैम, मैंने 5 times रीडिंग कर ली। रीडिंग कर ली, ओके, वेरी वेरी गुड। मैंने 10 times रीडिंग कर ली। 10 times, व्हाट्स योर नेम? मैम अनन्या। अनन्या, आपने 10 times की है? ओके, वेरी गुड। मैंने 5 times रीडिंग और, ठीक है, 5 times और कर लो, छोटे र में छोटे उ की मात्रा वाली भी कर लो 5 times। 20 times रीडिंग कर ली। तो ठीक है, तुम्हें 100 times करनी है। ओके, जिसने 5 times की वाली रीडिंग कर ली ना, वो छोटे र में छोटे उ की मात्रा की भी 5 times कर लो। अभी सबका हो जाएगा और हमारे पास टाइम बचा तो आई विल शो यू वन स्टोरी टूडे। र में छोटी की मात्रा की भी कर लो 5 times रीडिंग, जो हमने लास्ट क्लास में वर्क किया था ना, उसकी भी कर लो। व्हाट्स योर नेम? ये जो 100 times बोल रहा है, व्हाट्स योर नेम? मैम स्वास्तिक।
स्वास्तिक आपने 100 टाइम्स की है? यस मैम। 100 टाइम्स तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ, दो मिनट में 100 टाइम्स कैसे हो सकती है? आपने अभी कहा था ना, दो मिनट भी नहीं हुए हमको गए हुए, दो मिनट में 100 टाइम्स हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैं ने वो किया था ना, मैं जब हाँ अच्छा तुम्हें 100 तक काउंटिंग आती है स्वास्थ्य? रूलर मैम मुझे भी, मैम मुझे 100 तक आती है। मैम मुझे 100 तक आती है। अच्छा डीजे आप म्यूट करो। यस क्लास ऑल ऑफ यू म्यूट करते हैं। अब उन बच्चों की आवाज आएगी जिनका वर्क नहीं हुआ है, केवल वो बच्चे मुझे बताएंगे जिनका वर्क नहीं हुआ है। किस बच्चे का वर्क? मैं छोटे की बेटा मैंने बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला उन बच्चों की केवल आवाज आएगी जिनका अभी ये जो स्क्रीन पर वर्क दिख रहा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। किस बच्चे का वर्क अभी तक नहीं हुआ ये वाला? यस सुहानी, मेरा नहीं हुआ है। कौन से नंबर पर हो सुहानी? सुहानी आप कौन से नंबर पर हो? मैम मेरे पास कॉपी नहीं रखी हुई थी, वो तो मेरी मेरी मेरे कमरे में मेरी जो हमने। अच्छा आपने कौन से नंबर तक लिख लिया सुहानी, बताओ मुझे। बेटा आप लिख ही नहीं रहे हो, इट मींस है ना आप नहीं लिख रहे ना वर्क। हेलो हेलो मैम। हेलो हेलो मैम, कब से बोल रहा हूँ। हेलो मैम। यस सर। मैम ये हमारा नेटवर्क इशू हो गया था, जब रात को कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे तो हमें कुछ कर नहीं पाए। ओके तो अभी स्टार्ट किया है? मैं वो नेटवर्क जा रहा था, पहले भी कनेक्ट हुआ था, कनेक्ट डिसकनेक्ट होते जा रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं, जितना आप क्लास में हो जाएगा उतना ठीक है, मैं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दूंगा। करो सुहानी जल्दी से कंप्लीट करो वो। ओके वेरी गुड। बोलो कि म्यूट यूरसेल्फ। मैं ही म्यूट कर देती हूँ अभी सबसे। ओके सुहानी अपनी कॉपी दिखाओ मुझे, दिखा दो। मुझे बताओ कितने वर्ड्स लिखे हैं सुहानी आपने? शो मी योर नोटबुक। कुछ भी नहीं लिखा है सुहानी ने। वेरी बैड। मैम आई खत्म, आई एम डन 5 टाइम्स रीडिंग। अब कोई भी बच्चा अनम्यूट नहीं करेगा, और कुछ बच्चों को आई थिंक आज नेटवर्किंग का इशू है, तो मैं व्हाट्सएप पर भी वर्क भेज दूंगी, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अभी जितना क्लास में हो जाएगा उतना क्लास में कर लें। ओके मैम। लेकिन कुछ बच्चे तो केवल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हैं। Good. Ma'am, I have done. Okay, very good. बार बार इसे कॉपी मत कर। Ma'am, I have done. Very good. Time reading करी।
वेरी वेरी बैड, आप लोग ना मैम की इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं करते हो। मैम ने क्या बोला है, किसी को भी बोलना ही नहीं है बीच में। ऐसे जो बच्चे वर्क कर रहे हैं वो वर्क ही नहीं कर पाएंगे, है ना। मैंने क्या बोला है, आपको चुपचाप से रीडिंग करनी है, किसी को नहीं बताना है कि मैम मैंने कर ली है, ताकि और सारे बच्चे जिनका वर्क नहीं हुआ है वो कर सके अपना काम। अभी भी किसी बच्चे का माइक ऑन है? हाँ, ये ताजी ताजी हवा जिसको लग रही है ना, कि अपना माइक ऑफ कर ले। अब मुझे बताओ कौन किस बच्चे का नहीं हुआ। बेटा किसका नहीं हुआ अभी तक? हो गया सबका? मेरा नहीं हुआ। ओके, व्हाट्स योर नेम बेटा? आदित्य। आदित्य, ठीक है आदित्य, करो जल्दी से। कौन से नंबर पर हो आदित्य? नंबर 6। ओके ठीक है, जल्दी से कर लो। मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। यस यस यू कैन गो। मैम आई गो टू वॉशरूम। सबको वॉशरूम जाना है? ओके जा सकते हो। मैम आई ड्रिंक वाटर। यस बेटा आप लोग जा सकते हो, ठीक है। फाइन, अभी 5 मिनट से क्लास में, आप 5 मिनट के बाद जाना आप लोग। लिखो 8 नंबर रूस। आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट। मैम आई एम गो टू वॉशरूम। सलाम सर ना, साइकिल वाला सो, साइकिल वाला सो, साइकिल। मैम आई एम गो टू वॉशरूम। जाओ सुहानी गो। 9 नंबर पूर। मैम आई एम आगे क्या, कौन से नंबर पर आ गए तुम? गो आदित्य दास। आदित्य हो गया बेटा आपका? यस मैम। ओके वेरी गुड। चलो अभी 5 मिनट है हमारे पास, आई विल शो यू वन स्टोरी।
Now all of you mute yourself. मुझे कुछ कुछ और कहानियाँ सुनाना। मैं बताऊंगी, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ऐसी शरारत नहीं करोगे। मैं तो डर गई थी सच्ची में। मैं कोशिश करूंगा। अगली कहानी सुनाओ ना, यहाँ आके सुनाओ। शैतान पप्पू, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए जैसे बिट्टू को मिली थी। हाँ, ये बिट्टू कौन था और उसे क्यों सजा मिली? क्या किया था उसने? बिट्टू बड़ा ही शरारती लड़का था। एक दिन वाह, क्या दिन है! चलो दोस्तों शुरू करें। हम बना रहे हैं अपना घर, ताजमहल से भी सुंदर। ना है ईंट इसमें ना पत्थर, ये महल है हम सबका घर। ला 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 ला। बिट्टू आ रहा है, भागो 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 भागो। सबके सब मुझसे कितना डरते हैं। अब मैं चींटियों का ये घर भी तोड़ दूंगा। ये बिट्टू हमेशा हमारे साथ यही करता है, हम अपना घर बनाते हैं और ये सब तोड़ देता है। हमें अपने राजा के पास जाके इसकी शिकायत करनी चाहिए। हमें बचाइए महाराज, हमारे घरों को बचाइए महाराज, कुछ कीजिए। ए, क्या हुआ 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 क्या हुआ? क्यों हो तुम उदास? मैं हूँ ना तुम्हारे पास। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ कीजिए महाराज, इस बिट्टू ने हमारी नाक में दम कर रखा है। वो हमेशा हमारे घर तोड़ देता है और हमें दोबारा बनाना पड़ता है। दोस्तों रो